रेल मंत्री रहते हुए रेलवे में नौकरी और रेल बोर्ड का सदस्य बनाने के नाम कथित तौर पर की गई 60 लाख रुपए की ठगी मामले में मुकुल रॉय को मंगलवार कलकत्ता उच्च न्यायालय से राहत मिली। न्यायमूर्ति सईदुल्ला मुंशी की पीठ में हुई सुनवाई के बाद कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मुकुल को 8 नवंबर तक इस मामले में गिरफ्तारी से राहत रहेगी। अदालत ने मुकुल रॉय को पुलिस पूछताछ में सहयोग करने का निर्देश दिया है। बेहाला के सरसुना इलाके में रहने वाले संतु गांगुली नाम के एक व्यक्ति ने सरसुना थाने में प्राथमिकी दर्ज कराकर दावा किया था कि मुकुल रॉय के रेल मंत्री रहते हुए उन्हें रेलवे बोर्ड में सदस्य बनाने का आश्वासन मिला था और इसकी एवज में उन्होंने 60 लाख रुपए रिश्वत के तौर पर दिया था। इसी मामले में पुलिस ने मुकुल रॉय के खिलाफ गैर जमानती धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। बापन घोष नाम का एक नामजद आरोपित पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है, जो भारतीय जनता श्रमिक संगठन का नेता है और मुकुल रॉय का करीबी बताया जाता है। इस मामले में रॉय ने अग्रिम जमानत के लिए कोर्ट का रुख किया था, जिस पर उन्हें लगातार राहत मिलती रहती थी। अब एक बार फिर उन्हें 8 नवंबर तक के लिए गिरफ्तारी से छूट मिली है। इस मामले में एक पहले ही पुलिस की टीम मुकुल रॉय से पूछताछ कर चुकी है। ठाकुर पुकुर स्थित असिस्टेंट कमिश्नर के दफ्तर में उनसे पूछताछ हुई थी। मुकुल रॉय कहते रहे कि रेलवे बोर्ड में सदस्य बनाने के नाम पर हुई ठगी के इस मामले के बारे में वह कुछ नहीं जानते हैं, उन्हें इसमें जबरदस्ती फंसाया गया है।